दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोबारा एक बार फिर एक नई वीडियो में लेके आ गया हूँ। मानता हूँ काफ़ी दिनों बाद मैं नई वीडियो लेके आया हूँ। बीच में कुछ ऐसा काम आ गया था कि मुझे थोड़ा सा अपना यूट्यूब थोड़ा छोड़ना पड़ा, बट ये है कि अब चीज़ें सब ठीक हो गई हैं। और क्या चीज़ें थी वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताता रहूँगा। बट आज जो हम बात करने वाले हैं भाई इस नई वीडियो के अंदर, वो हम बात करने वाले हैं सर्विस के बारे में। हाँ जी, मैंने अपनी गाड़ी लगभग 70,000 किलोमीटर चला दी है और ये मेरे पे मैं सर्विस का जो मेरा बिल है आ चुका है 70,000 किलोमीटर पे। डीजल गाड़ी है मेरे पास, जो गाड़ी है वो है भाई हुंडई क्रेटा SX एग्जीक्यूटिव डीजल मॉडल, जो कि मैंने 2021 जुलाई में मैंने खरीदा था। तो भाई ये मैं 70,000 किलोमीटर चला दी, इसकी फ़ोटो मैं लगा दूंगा। तो उसकी जो सर्विस होती है 7 या 8 सर्विस होती है भाई ये टोटल जो होती है आपकी। तो उसमें मैंने क्या काम करवाया, उसके अंदर क्या क्या मैं खर्चा आया और ये खर्चा लगभग कितना हुआ टोटल और कितना जस्टिफाई करता है या नहीं करता, वो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए आए हो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा। और भाई चैनल पर हमारे 10,000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, तो भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे 10,000 सब्सक्राइबर पहुँचाने में मेरी हेल्प करी भाई। तो भाई बिल मैं निकाल लेता हूँ और बिल एक एक करके मैं पॉइंट पर आपसे बात करूँगा। तो छोटे मोटे खर्चे हैं 200 रुपये के, 100 रुपये के, उस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। जो ही मोटा खर्चा होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। और मुझे ऐसा कुछ लगा कि भाई हाँ ये थोड़ा ज़्यादा है या ठीक है, वो भी मैं आपसे बाद में बताता रहूँगा। और सबसे लास्ट में क्या करूँगा, टोटल जितना मेरा बिल होगा उसका मैं एक स्क्रीन शॉट लगा दूंगा ताकि आप लोग भी अपने दे सके उसमें क्या क्या चार्जेस लगे हैं इसके अंदर। तो भाई ये बिल आ गया है, बिल मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये टोटल बिल है, इसके अंदर तो टोटल बिलिंग अमाउंट है। और ये मेरी जो है इनवॉइस की समरी है, वो मैं आपसे एक एक करके बात करता रहूँगा। तो ये बिल आ गया मेरे पास, मैं उससे बात करता हूँ उसके ऊपर। तो भाई सबसे पहले जो है अपना जो खर्चा है, मेन खर्चा जो आता है वो आता है भाई इसके अंदर, सबसे पहले जो चीज़ है वो है ग्रीस कैलीपर। तो ठीक है, ये मेरे 109 रुपये का है, इसमें ठीक है इतना 70,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है तो ग्रीस कैलीपर वगैरह पर ग्रीस व्रीस लगाते हैं उसके पैसे लेते हैं। विंडशील्ड वाशर 16 रुपये, ब्रेक फ्लूड 162 रुपये, ब्रेक क्लीनर 3M 494 रुपीज़। थोड़ा सा ये मुझे कह रहे हैं थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पर चलो आगे चलते हैं। BS6 ऑयल इंजन ऑयल उसमें पड़ा है 1969 रुपीज़ का पड़ा है, ठीक है कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। कंज्यूमेबल 346 के हैं, किस हिसाब से पता नहीं भाई। एक डस्ट कैप उन्होंने लगाई है, तो आप सभी को पता होगा कि हुंडई क्रेटा के जितने भी गाड़ी उसमें जाते हुए दिक्कत आ रही थी कि उनके जो साइड के जो व्यू मिरर थे ना ये बंद नहीं होते थे भाई, तो बंद नहीं होते थे ये, बेसिकली खुले रहते थे इसके अंदर। फिर 2-3 बार आप उसको आपको लॉक अनलॉक लॉक अनलॉक करना पड़ा तो खुलते थे। तो अब ये बोल रहे हैं कि वो डस्ट उसमें चली आती थी गैप के बीच में, जिस कारण जो है ये क्लोज नहीं होते थे। तो वो हमने एक इसमें डस्ट कैप लगा दी, जिस कारण ना अब जो डस्ट वो नहीं जाया करेगी तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अभी भी दिक्कत आ रही है भाई, मैं बताऊँ तो आपको उसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा भाई, उसमें मैं बात करूंगा आप लोगों से। तो वो इन्होंने खुद जो है वो उसके अंदर था, वारंटी में भी था, वारंटी में भी नहीं है तब भी आपकी गाड़ी को मैं ये फ्री में रिप्लेस करके देंगे, ठीक है भाई। तो अब आ गया एक एयर फिल्टर आएगा आपका 398, ठीक है आपका एयर क्लियर फिल्टर एयर क्लीनर ये भी आपका आ गया है। तो यही भी लगभग इन्होंने 314 रुपये का लिया है इसके अंदर, ठीक है ये भी आपका। गैस्केट ऑयल प्लग ये 50 रुपये का है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई है भाई 105 रुपये की, मैंने मना करा था मत डालना, सॉरी 156 रुपये की मना करा था भाई मत डालना, बट डब्बी डाल दी चलो कोई नहीं। ओरिंग डाली 105 रुपये की। प्लग ऑयल ड्रेन ये भी इन्होंने दोबारा कराया इसके अंदर, इसका खर्चा है 260 रुपये का, बहुत ज़्यादा है पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। रिटेनर असेंबली कवर ये लगाया है 31 रुपये का इन्होंने। सर्विस किट ऑयल जो है ऑयल फिल्टर जो लगाया है वो है 395। और थ्रोटल बॉडी क्लीनर ये भी 390 रुपये का में इन्होंने टोटल जो है क्लीन करा उसके लिए है इसके अंदर। तो इसमें देखा जाए तो यार देखो सबसे मेन चीज़ जो है कि एसी का जो आपका फिल्टर है क्लीनर वो 314 रुपये का है, और आपका जो एयर फिल्टर है ठीक है मतलब ज़्यादा खर्चा इतना मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे ठीक लगा। तो ये तो हो गई भाई पार्ट्स की बात जो उसके अंदर यूज़ हुए हैं। अब हम आते हैं लेबर पे, लेबर पे मैं क्या क्या काम हुआ वो आपको बताता हूँ, क्योंकि ये तो पेड सर्विस होती है आप सभी को पता होगी। तो पेड सर्विस जो है अभी फिलहाल इसमें सबसे एक चीज़ जो ये वो थोड़ी सी मुझे जो थोड़ी सी कॉस्टली लग रही थी, बट जब वहाँ पे उन्होंने एडवाइज़र ने मुझे समझाया तो मुझे ठीक लगा, वो था भाई इसके अंदर ना इंटीरियर एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट होता है। तो मुझे लगा कि शायद कुछ अंदर क्लीनिंग से कुछ रिलेटेड कुछ होगा,
बट ऐसा कुछ नहीं है। वो ये बोलते हैं कि हर 20 से 30 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी का वो पूरी पूरी जो इंजन के जो भी पार्ट होते हैं या फिर आपको तो इंजन ऑयल वगैरह जो भी पार्ट होते हैं उसको पूरा क्लीन करते हैं ये अच्छी तरीके से। तो वो बोलते हैं 20-30 हज़ार किलोमीटर में आपको कराना चाहिए, खासकर डीजल वालों को करवाना चाहिए ताकि आपकी गाड़ी की सेम वही इंजन की लाइफ वगैरह बनी रहे। तो उसके उन्होंने 1101 रुपये लिए, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा था, पर जैसे उन्होंने समझाया तो मुझे लगा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इंस्पेक्शन ऑफ इंटर कूलर हॉज ये भी 0 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। मेन इसमें मैंने कराया था इंटीरियर क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग मैंने इसमें कराई थी इसके अंदर, जो कि 1599 रुपये, 1600 रुपये इन्होंने मुझसे लिए हैं उसके। तो भाई मैं सही बताऊँ, जिस तरह से मेरी गाड़ी ख़राब थी ना भाई, उस हिसाब से क्लीनिंग एकदम चकाचक कर दी है। मेरे पास पहले की फ़ोटो तो नहीं है, बट हाँ अभी की फ़ोटो मैं डाल दूंगा, वो आप देख लेना। तो मुझे थोड़ा कहीं जस्टिफाई लगा 1600 रुपये उन लोगों का, कोई ज़्यादा मुझे महंगा नहीं लगा इसके अंदर। तो ये तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आती है पीरियोडिक मेंटेनेंस, मेंटेनेंस सर्विस चार्ज जो आप कह सकते हो, वो भाई 2350 रुपये का था, डिस्काउंट करके 2115 रुपये का उन्होंने मुझे करके दिया है। तो ठीक है भाई, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और भाई एक है इंटर कूलर की रेक्टिफाई लीकेजेस, ये लीकेजेस वगैरह चेक करते हैं उसके अंदर या फिर इंटर कूलर में कोई लीकेजेस वगैरह तो नहीं है, कुछ चेक करते हैं उसको, तो या तो ठीक कर देते हैं या उसे चेक कर लेते हैं। तो वो इनकी इन्होंने लिए हैं 1376 रुपये, 1405 रुपये का था, 2800 रुपये डिस्काउंट करके 1376 रुपये उन्होंने लिए हैं। तो भाई यदि मैं इसका टोटल सम अप करता हूँ तो लगभग जो मेरा बिल बैठा है वो बैठा है सब जीएसटी वीएसटी सब मिला मिलने के बाद 13,500 रुपये का। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ इसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एक डीजल ओनर जो है उसको करानी चाहिए। देखो 17 गाड़ी चल गई है मेरी अभी तक, ठीक है, अभी तक इसके जो ब्रेक पैड हैं वो नहीं बदले हैं और फिलहाल से ठीक ठाक चल रहे हैं, लगभग 10,000 किलोमीटर वो बोल रहे हैं कि और आपके आराम से चल सकते हैं। तो अभी तो ये खर्चा मेन मोटा आना मेरा बाकी है। दूसरा तो डिस्क होती है, आप सभी को पता होगा कि ये क्रेटा ऐसे एग्जीक्यूटिव मॉडल है, तो उसके अंदर चारों डिस्क ब्रेक आते हैं। तो उसमें जो डिस्क होती है गोल, जिसके ऊपर वो आपके ब्रेक पैड जो लगते हैं, जो पकड़ कर रखते हैं उसे, तो वो क्या होता है भाई, वो आपको पता होगा उसमें लाइनें वगैरह आनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, आप सभी को पता होगा जो लोग गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कई बार कि आपकी सिचुएशन कैसी, गाड़ी चलाने की आप कैसी रोड पर गाड़ी चला रहे हो। तो कई कई बार मैं जल्दी जल्दी आया था, कई बार लोगों में धीरे धीरे आता, 70 किलोमीटर में गाड़ी चल गई है, अब उसमें वो दिक्कत आने लग गई है। तो उन्होंने मुझे दिखाया भी है कि भाई ये देख लो आप लाइनिंग वगैरह इसके अंदर, फोटो वोटो मैंने ली नहीं, आप सभी को बताया कि आजकल थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा ही है सब जगह पे। तो ठीक है, तो उन्होंने मुझसे ये बताया कि सर आप एक काम करिए, इट इज़ बेटर कि आप उसको मतलब घिसवाओ, उसको वो ट्रिम करवाओ, उससे बढ़िया आप उसको पूरे पूरे को चेंज करवा लो। तो वो मैं देखता हूँ अगली बार मेरा कैसा होता है, ब्रेक पैड इन्फॉर्मेशन चेंज हो नहीं होने मेरे। तो अभी ये मोटा खर्चा जो है ना ये आना बाकी है अभी 17 किलोमीटर में। अभी तो फिलहाल ये सब जो खर्चे आ रहे थे मेरे ये ठीक है, और ये भी मुझे कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगा 13,500 में। यदि आप 1500+ GST निकाल दोगे, ठीक है, वो तो ड्राई क्लीनिंग है, वो तो आपकी ऊपर चॉइस है, आप चाहे करवाओ मत करवाओ, ठीक है, तो आपका मेरे ख्याल से जो खर्चा आता है लगभग वो आता है 13,500 में से 1500 रुपये निकाल लेते हो तो 1600 रुपये निकाल लेते हो, प्लस GST में आप 1800 रुपये लगा लो, तो मोटा मोटा 500 आपके यहाँ से चले गए और 1000 वहाँ चले गए, 12, तो मेरे ख्याल से आपका लगभग 12,000 रुपये के आसपास बैठता है बिल। तो 12,000 रुपये के आसपास भी बिल बैठता है 70,000 किलोमीटर पे, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा महंगा है ना सस्ता, ठीक है। मतलब एक SUV टाइप की गाड़ी यदि आप चला रहे हो, मिड साइज SUV गाड़ी चला रहे हो, तो लगभग 17 किलोमीटर पर यदि आपको 11 से 12 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है तो जस्टिफाई कहीं ना कहीं कर देता है मेरे हिसाब से। तो ये तो बात भाई बात हो गई कि बिल की, तो ये चीज़ें हैं आपको भी ध्यान रखना चाहिए। और जो मेरा भाई डीजल गाड़ी ले रहा है भाई, वो ध्यान रखें 20 से 30 हज़ार किलोमीटर पर ईजर जरूर करवा लिया करें अपना, क्योंकि ईजर में हर बार 20 से 30 हज़ार किलोमीटर पर करवा लेता हूँ। उससे फ़ायदा ये है कि आपका जो रिसर्कुलेशन ऑफ गैसेस है वो अच्छी तरह होता रहेगा और आपकी जो लाइफ है या आपके इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती रहेगी आपकी कहीं ना कहीं पर। तो भाई ये चीज़ थी इसके अंदर, तो 13,500 रुपये का मिला 17 किलोमीटर में, मुझे काफ़ी जस्टिफाई लगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब जो वीडियो आएगी नहीं उसके अंदर, मेरी गाड़ी को 25 जुलाई को 3 साल हो जाएंगे, तो 3 साल के मैं एक तो मेन इंश्योरेंस होती है जो हम लोग करवाते हैं, और एक चीज़ और मैं इसमें करवाऊंगा, आप सभी को पता है कि हर गाड़ी एक वारंटी के साथ आती है, तो वारंटी मेरी 3 साल ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने उसमें क्या प्लान चूज़ करता हूँ, कैसे चूज़ करता हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी। काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो लाया हूँ अपनी, और ऐसी नई नई वीडियो मैं लाता रहूँगा। और अपने यूट्यूब मनी भी आ चुका है भाई, पहले ही अपनी इनकम आ चुकी है यूट्यूब की, वो लोग भी वो भी आपसे शेयर करूँगा कि क्या करा मैंने उसका, क्या नहीं करा और कितनी मेरी आई, वो आपको अप्रोक्सीमेट पैसा ले जाएगा भाई। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वीडियो यहीं एंड करता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोग देख सके, उनको नॉलेज हो सके, और आपके लिए भी हेल्पफुल हो तो शेयर जरूर कीजिएगा है। और भाई लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं आपको नई वीडियो में।